अब चूंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो चुकी है और 30 दिन की मोहलत भी उनको मिली है, तो पहले कानून की जानकारी ले लेते हैं और प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, पूरा पूरे केस पर आपकी भी नजर है। अब 2 साल की सजा के बाद, 30 दिन की मोहलत मिलने के बाद, राहुल गांधी के पास क्या रास्ता बचता है? सांसद भी हैं वो। हमने एक फैसला दिया था और उस फैसले के मुताबिक पहले होता क्या था कि कोई भी आदमी इस तरह का, अगर कोई सांसद हो या विधायक हो, अगर वो अपील में चला जाता था और उसके बाद से अपील एडमिट होते ही उसके उसकी सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ता था। लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आपकी सदस्यता तत्काल जाएगी, बशर्ते कि अगर कोर्ट्स के से उनके सजा पर यानी कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता है। तो यहां पर ऐसे समझने की जरूरत है कि सूरत कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 30 दिन की मोहलत दी है। 30 दिन की जो मोहलत है, इस दौरान राहुल गांधी हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपील में जाकर के कि हमारी सजा पर, कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया जाए। अगर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया तब ठीक है, अगर हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का विकल्प उनके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी उसी प्रेयर के साथ आएंगे। और अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी उनकी कन्विक्शन पर स्टे लग जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी सदस्यता बहाल रहेगी और बाकी अपील पर सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनकी कन्विक्शन पर स्टे नहीं होता है, तब राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं और तब इस लिहाज से देखा जाए तो यह अपने आप में एक अनूठा मामला होगा। दूसरी थोड़ी सी बात अपने दर्शकों के क्लियरिटी में बता दूं कि जो 499 है, जिसमें क्रिमिनल डिफेमेशन की परिभाषा दी गई है, उसके मुताबिक जो बातें कहें कि किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ जब हम कोई आपत्तिजनक बात कहते हैं तो क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला बनता है। और उसमें जो सेक्शन 500 के तहत जो सजा का प्रावधान है, उसमें कहा गया है कि अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। यहां पर सूरत कोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है। इस अधिकतम को समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, जिसमें सदस्यता जाने के लिए प्रावधान है, वहां पर मिनिमम 2 साल। तो यह अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम का जो मैच हो गया है, यह राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ा हो रहा है। अब एक तरह से कहें, फिर आम भाषा में कहें कि राहुल गांधी के पास आज से लेकर अगले 30 दिन का समय है। इस दौरान राहुल गांधी कानूनी विकल्प के लिए जा सकते हैं, कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि वो कोर्ट उनकी सजा पर विराम लगा दे, स्टे लगा दे और तभी उनकी सदस्यता बनेगी। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी इस तरह की मांग करते हैं अदालत से या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी की सदस्यता जाती है या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा वो पैदा होता है। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक देश के इतिहास में एक बहुत अनूठा मामला होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और कांग्रेस के लीडर हैं और उनकी गिरफ्तारी और उनकी सदस्यता का जाना अपने आप में बहुत उनको पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है। तो हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल लीडर्स जो भी एक्ट करते हैं, जो भी कार्रवाई करते हैं, वो तमाम नफा नुकसान देखकर करते हैं, लेकिन फिलहाल यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। 30 दिन की मोहलत है उनके पास, अगर 30 दिन में उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ये आज की बड़ी खबर है।